एकादशी तिथि प्रत्येक महीने में दो बार आती है। इस प्रकार साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन प्रत्येक एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और प्रत्येक एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बहुत श्रेष्ठ और मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत श्री भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी जगत के पालनहार परमेश्वर श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, जो समस्त पापों का हरण करने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, शत्रु परास्त होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि दो दिन पड़ रही है, इस कारण भक्तों में व्रत की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र पुण्यदायी एकादशी का महत्व और ये कब मनाई जाएगी। विजया एकादशी का व्रत निर्जल रखा जाता है एवं पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रत करने वाले के जीवन में सुख शांति एवं खुशहाली आती है एवं जीवन में आई नकारात्मकता समाप्त होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपसे शत्रुता रखता है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं उस पर जल कलश स्थापित करें। इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर पीले पुष्प, ऋतु फूल, तुलसी आदि अर्पित कर कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर में दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच और द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस साल विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी सुबह 5:32 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। वहीं 17 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का मुहूर्त है सुबह 8:01 से सुबह 9:13 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। इस व्रत को करने से मनुष्य को इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए पापों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विजया एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी का व्रत काफी कठिन माना गया है क्योंकि इसके नियम दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद से ही लागू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं। विजया एकादशी व्रत कर रहे हैं तो 16 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें और दिन भर व्रत रखें। स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की तेल धूप अगरबत्ती से पूजा करें और पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित करें। पूजा के वक्त विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्त्रोत का पाठ करें, व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए रात में जागरण करके भगवान के भजन और ध्यान करें। व्रत निर्जल रखें। यदि निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार और जल ले सकते हैं और भोजन करना ही पड़े तो केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें, चावल का सेवन न करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें।